हेलो गाइस, मेरा नाम है अरुण। आप देख रहे हैं ऑनलाइन चेस का, और आज इस वीडियो में आपसे बात करने जा रहा हूं आपके स्मार्टफोन के साथ बहुत ही काम आने वाली चीज के बारे में, वो है ईयरफोन। और अब ज्यादातर कंपनीज ने स्मार्टफोन्स के साथ ईयरफोन्स देना बंद कर दिए हैं। पहले MI ने स्टार्ट किया था, बाद में सभी उसी राह पर चल पड़े हैं। और क्योंकि पहले ईयरफोन्स बॉक्स के अंदर से फ्री में मिल जाते थे, तो अब काफ़ी सारे लोग ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते ईयरफोन्स में। तो आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ आपको पांच ऐसे ईयरफोन्स जो आपको 500 रुपए से कम के प्राइस में मिल जाएंगे। शुरुआत करूंगा नीचे से, मतलब कि 100-150 रुपए के आसपास से कौन से ऐसे ईयरफोन्स हैं जिनको आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं, और जाऊंगा ऊपर करीब 400-500 रुपए के आसपास, जहां पर कि आपको काफी अच्छी क्वालिटी के ईयरफोन्स मिल जाएंगे और आपके लिए वो वैल्यू फॉर मनी होंगे। तो अभी के लिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इधर की तरफ एक लाल कलर का बटन होगा, उसको दबा करके दीजिएगा ग्रे, और साथ के साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो जैसे ही आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो बहुत बोल दिया, अब फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। शुरुआत करूंगा मैं 100-150 रुपए के आसपास से। अगर आप मार्केट में कोई ईयरफोन खरीदने जाते हैं 100-150 रुपए के आसपास, तो आपको काफी घटिया क्वालिटी के ईयरफोन्स मिलते हैं जो कि बहुत जल्दी ही खराब हो जाते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप खरीदें फिलिप्स या फिर जेब्रोनिक्स के ईयरफोन्स, जो आपको स्टार्टिंग प्राइस करीब 129 या फिर 150 रुपीज के आसपास मिल जाते हैं। और इस प्राइस में ये वाले जो ईयरफोन्स हैं एक वैल्यू फॉर मनी ईयरफोन्स हैं। आपको 100-150 या फिर 200 रुपए के अंदर के प्राइस में आपको ईयरफोन खरीदने हैं तो आप ये वाले ईयरफोन्स खरीद सकते हैं। तो वीडियो में आगे जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा जितने भी ईयरफोन्स मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, तो सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो डायरेक्टली आप वहां से जाकर परचेस कर सकते हैं और थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को। नेक्स्ट बात करूं टॉप 4 की, तो यहां पर मैंने रखा है बोट का 100 या फिर 110, जो कि सेम ही ईयरफोन्स है। 100 पहले आता था, 110 उसके बाद आ गया है, तो यहां पर एक नया वेरिएंट इसका आ गया है। फ्लिपकार्ट अमेज़न दोनों पर ही अवेलेबल है, और इन ईयरफोन्स के अंदर मिल जाता है आपको 10 mm का ड्राइवर यूनिट। लेकिन आप इन ईयरफोन से ज्यादा उम्मीद नहीं रख सकते, जैसा कि इन्होंने डिस्क्रिप्शन में और प्रोडक्ट के ऊपर दिया हुआ है एक्स्ट्रा बेस, तो यहां पर आपको ज्यादा बेस तो नहीं मिलेगा लेकिन ठीक ठाक सा बेस मिल जाता है। 300 रुपए के प्राइस में ये जो ईयरफोन है वैल्यू फॉर मनी ईयरफोन्स हैं। नेक्स्ट बात करूं नंबर 3 की, तो आ जाते हैं एनवेंट के कुछ ईयरफोन्स, जैसे कि एनवेंट का बीट्स 302 या फिर एनवेंट का बीट्स 307। दोनों ईयरफोन्स में आपको 10 mm का बेस ड्राइवर मिल जाता है। बिल्ड क्वालिटी भी काफी अच्छी है, केबल की लेंथ भी 1.2 मीटर है, और इसका जो एर्गोनॉमिक डिजाइन है जिसकी वजह से ये कानों में अच्छे से फिट हो जाते हैं। इस सब के अलावा कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स भी आपको इन ईयरफोन्स के साथ मिल जाती हैं, जो हैं स्मॉल, मीडियम और लार्ज साइजेस में, तो आपके कान में जैसी भी फिट होती है तो काफी अच्छे से आपके कानों में फिट हो जाएगी। बेस वगैरह भी काफी अच्छा मिल जाता है, वोकल्स भी काफी अच्छे मिल जाते हैं। इस सब के अलावा बात करें प्राइस की, तो ये ईयरफोन्स आपको मिले करीब 400 रुपए के आसपास, तो आप इन ईयरफोन्स को कंसीडर कर सकते हैं, और 400 रुपए से कम में अगर मिल रहे हैं तो आप जरूर से कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें नंबर 2 की, तो आ जाते हैं बोट के बेस हेड्स 235 V2। नाम काफी लंबा है, ईयरफोन्स की क्वालिटी भी काफी अच्छी है। जो हाउसिंग है इन ईयरफोन्स की पूरी मेटल की बनी हुई है, साथ में आपको 10 mm का ड्राइवर यूनिट इन ईयरफोन्स में मिल जाता है। केबल जो है फ्लैट है, टेंगल फ्री है, और साथ में जो लेंथ है वो 1.2 मीटर है। और इन ईयरफोन्स पे जो एक्स्ट्रा बेस लिखा हुआ है, वास्तव में ईयरफोन्स के अंदर से आपको काफी अच्छा बेस मिल जाता है। और अब बात करें इनके प्राइस की, तो अमेज़न पर आपको जो रेगुलर प्राइस है वो आपको दिखाई देगा करीब 700-800 रुपए के आसपास, लेकिन मैंने इनको परचेस किया 399 रुपए में, और आप भी इनको बड़े आराम से वेट कर लीजिएगा थोड़ा सा, 400 रुपए के आसपास जरूर से खरीद सकते हैं। और 400 रुपए के प्राइस में ये एक वैल्यू फॉर मनी ईयरफोन्स है, आप 100% इन ईयरफोन्स को खरीद सकते हैं। नेक्स्ट बात करें नंबर 1 की, तो आ जाते हैं मी के ईयरफोन्स बेसिक, जो कि काफी भरोसेमंद ईयरफोन्स है, काफी सारे लोगों ने आप में से इस्तेमाल भी किए होंगे। इन ईयरफोन्स के अंदर मिल जाता है आपको 10 mm का ड्राइवर यूनिट, साथ में जो वायर है वो भी टेंगल फ्री है, वायर का लेंथ 1.2 मीटर है, और बेस भी काफी अच्छा मिल जाता है इन ईयरफोन्स से। साथ में जो वोकल्स हैं वो भी काफी अच्छे आपको इन ईयरफोन्स से सुनने को मिल जाते हैं, तो आप जरूर से 399 रुपीज में मी ईयरफोन्स बेसिक परचेस कर सकते हैं।
साथ में जो 3.5 mm जैक है वो एल शेप का है, जिससे कि आपके पॉकेट में जब आप फोन रखेंगे तो ईयरफोन जैक जो है वो जल्दी से खराब नहीं होगा। तो ये तो थे टॉप 5 सिलेक्टेड ईयरफोन्स जो मैंने सिलेक्ट किए आप सभी के लिए 500 रुपए के अंदर अंदर, और शायद 500 रुपए के आसपास यहाँ पर कोई भी ईयरफोन नहीं पहुंचा। और जितने भी ईयरफोन मैंने आपको बताए हैं सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जब भी इनका प्राइस जो मैंने बताया उसके आसपास हो तभी आप परचेस करें, तो आपके लिए एक वैल्यू फॉर मनी ईयरफोन साबित होंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा, वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा जिसको भी ईयरफोन्स खरीदने हैं 500 रुपए से कम में। और हां, जल्दी ही लेकर आने वाला हूं टॉप 5 ईयरफोन्स अंडर 1000 रुपीज, सो सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर से टच करके रखिएगा। मिलता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।